Hello everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing good. Okay, मेरी आवाज पे ज्यादा ध्यान मत देना बिकॉज अभी भी मुझको लग रहा है कि ये अभी थोड़ा थोड़ा आ रही है, जल्दी ही आ जाएगी. ओके, आई नो आज आज 24th ऑफ द मे है और अभी शाम के 2:30 हो रहे हैं. आई वॉज डूइंग द टेस्ट सीरीज वाला पार्ट. देखो, तुम लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है. बात ये करनी है कि जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आएगा तुम्हें बहुत कुछ महसूस होगा. सेल्फ डाउट कि तुमने कम पढ़ा है, कि तुमसे नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करके. तो देखो, द गुड पार्ट इज कि वी आर ह्यूमन ना. ह्यूमन की स्पेशलिटी यही होती है कि वी कैन फेल एंड वी हैव अ माउथ एंड वी कैन टेल. Like whatever you are feeling, tell someone who is your friend, whom you can share things. Like जो भी तुमको इस time feel हो रहा है, please उनसे बात करके share कर लो. देखो, अगर तुम्हारे non-UPSC friends हैं ना और वो तुमको call नहीं भी करते हैं, तब भी उनको call करो, उनसे बात करो थोड़ा. Like 15 minutes, 20 minutes, उनको बताओ कि कैसा feel हो रहा है, थोड़ा अच्छी अच्छी बात करो, थोड़ा gossip करो, chill करो, ऐसे करके. और टेस्ट पेपर दो, टेस्ट को एनालाइज करो, वापस से रिवाइज करो, अच्छा खाओ, आराम करो. देखो, तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं तुमको बता रही हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया है और तुम अच्छा भी करके आओगे. देखो क्या होता है ना, जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स, मतलब आई जस्ट लव देम ऑल, लाइक दे ऑल आर सो गुड. मतलब वो आते हैं अपनी क्लास में तो वो एक चीज बताते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के. जैसे इस साल की कट ऑफ 75 थी, 75 पॉइंट समथिंग, तो पेपर टफ था तो 75 कट ऑफ थी, पेपर थोड़ा इजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगी. तो देखो, 75 क्वेश्चन, अगर तुम 40 क्वेश्चन सही करोगे तो तुम आराम से 75 स्कोर कर सकते हो. द प्रॉब्लम इज कि 40 क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद, लाइक पूरा साल देने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, कोई भी स्टूडेंट हो ना वो 40 क्वेश्चन सही करके आएगा, सही कर सकता है. बट क्या होता है कि पेपर का पैटर्न ऐसा रहता है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है, वहां पे जाके इतना प्रेशर रहता है कि हम सही क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं. जैसे पिछले साल की मैं बात बताती हूँ तुमको, आई नो दैट प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन मैं पेपर में बैठी और मैंने देखा कि प्रेसिडेंट, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, आई थॉट कि प्रेसिडेंट नेवर गोज इन द पार्लियामेंट, ये वो, और आई मार्क्ड That answer wrong. तो ऐसे ही हमसे बहुत सारी गलतियां होंगी, तो हमें उन्हीं गलतियों से बचने के लिए हमें टेस्ट पेपर देना होगा. देखो, तुम टेस्ट पेपर में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे होगे तो तुम्हें एक चीज समझना है दैट ओके नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, हम इस गलती को सुधार लेंगे, हमें पेपर में नहीं करना है. और देखो, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद तुम्हें पूरा काम रहना है, तुम्हें पेपर देखना है कैसा है और तुम्हें उस 40 क्वेश्चन को ढूंढने हैं और तुम्हें वो 40 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, लेकिन एक पास नहीं, वो अलग अलग होंगे, छुपे होंगे कठिन क्वेश्चन के बीच में, वो क्वेश्चन तुम्हें ढूंढने होंगे. और अपने आप पे विश्वास रखना, सबसे बड़ी बात ये होती है. देखो, मैं तुमको एक बात बताती हूँ, जिंदगी में हमेशा मेरी ये बात याद रखना, तुम्हारे ऊपर दुनिया में कोई भी विश्वास ना कर रहा हो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं तुम्हारे ऊपर विश्वास ना कर रहे हो, हर टाइम तुम्हारे ऊपर सेल्फ डाउट दिखा रहे हो, बट तुम खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. तुम्हें खुद पे विश्वास दिखाना होगा, तुम्हें खुद पे प्यार दिखाना होगा. तुम ही हो जो तुम सब कुछ सहोगे. अगर तुम फेल होगे तो वो फेलियर किसी और को उतना हर्ट नहीं करेगा जितना तुम्हें करेगा. अगर तुम पास होगे तो वो खुशी तुम्हें जो खुशी महसूस होगी उतनी खुशी किसी और को नहीं महसूस हो सकती. अगर तुम बीमार होगे, तुम्हें बुखार होगा, तो तुम्हें जो लेवल फील होगा वो तुम्हें ही फील होगा, किसी और को नहीं. लोग सिंपथाइज करेंगे बट वो फील कभी नहीं कर पाएंगे. नोबडी कैन फील यू, ठीक है? तो तुम अपने फेलियर, अपने पास, सबके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो. इसलिए तुम्हें ये नहीं सोचना है, जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मेरी फैमिली, मेरा ये वो. बट अभी पिछले 3 दिन पहले मुझे जब बुखार हुआ, आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम, जिस टाइम मुझे बुखार था, जिस टाइम मैं पड़ी थी, उस टाइम मुझे ना फैमिली याद आ रही थी, ना कुछ याद आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा था, ना एग्जाम याद आ रहा था, ना कुछ याद आ रहा था.
तो उसी लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो। तुम जब सेंटर में जाना तो पहले आराम से चिल करके बैठना और अपने ऊपर यू नो तुम चाहे एग्जाम के दिन अच्छा करना चाहे बेकार करना, अपने ऊपर प्राउड करना। नेवर लेट देम, लाइक तुम्हें कोई क्या कह रहा है तुम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट्स इट। तो तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए, और अभी तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब बस यही करो कि तुम टेस्ट दो, टेस्ट में देखो कि जो भी चीजें गलत हो रही है, जब चीजें गलत होगी, जब क्वेश्चन गलत होगा, तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें उसका आंसर देखना है, सो दैट अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया तो तुमसे गलत ना हुए। ठीक है, बस यही इतना करना है। बाकी आज का टाइम, आज से जो टाइम स्टार्ट हो रहा है, लाइक आज कितनी तारीख है, मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ, आज 24th of May है, 7 दिन इसमें एंड 17 दिन, अभी कुछ 20, 24, 25 days है, लाइक 21 days मान के चलते हैं कि 21 days है। इसमें हमें सिर्फ हम पे ध्यान देना है, लाइक हमें अच्छा अच्छा खाना है, हमें खुश रहना है, हमें रिवाइज करना है, हमें वो करना है, दैट्स इट। सुनना नहीं है किसी की कोई क्या कह रहा है, और बात करो किसी से भी, लाइक अजनबी से भी बात कर सकते हो, अपने रूम के बगल वाले रूम में कोई इंसान रहता है ना उससे भी बात कर सकते हो। ओके, यही मैं कह रही थी, दैट वॉज इट। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस फोरम का सिमुलेटर वाला जो टेस्ट है वही टेस्ट दे रही हूँ, उसको रिवाइज कर रही हूँ, विजन का टेस्ट दे रही हूँ, विजन को रिवाइज कर रही हूँ, और बस यही कर रही हूँ। बाकी जो चीज रहता है वो रिविजन करती हूँ, जैसे मैपिंग हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पीटी हो गया, ये सब रिवाइज कर रही हूँ, वही कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ब्लॉग भी बना के अपलोड कर रही हूँ, तो वही है। बाकी अपना ध्यान रखना और बस चलो अभी हम यार ये घड़ी ना एक्चुअली इसका सेल ख़त्म हो गया है, मैं कल बाहर गई ही नहीं तो मैं कुछ लाई ही नहीं, उसको मत ध्यान दो। मैं ये कह रही थी कि मैं खड़े हो के मैपिंग कर रही थी, मतलब ऊपर मैप में देख देख के, और लाइट चली गई, अभी जाके आई है। चलो अभी करते हैं, the name of the biscuit is you need it choco chip cookie। ओके, सो अभी तक मतलब पहले मैंने टेस्ट रिवाइज कर रही थी, मतलब उसको पढ़ रही थी, बिकॉज टेस्ट का जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है ना उसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन होता है, एंड आई थिंक कि वो गुड भी होता है, लाइक अगर आप अच्छे से कर लो तो एक साथ आपको लाइक 100 अलग अलग टॉपिक और अलग अलग चीज़ें मतलब पढ़ने को मिल जाती हैं, और याद भी रहता है, यू नो जैसे आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट के बाद उसको रिवाइज करते हो तो वो याद भी रहता है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड आई टोल्ड यू ना, मैं मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले साल ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, तो मेरा जो अनुमान है कि इस साल भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट येट पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही, एंड आई फाइंड टफ मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज टाइम लाइन याद नहीं रहता यार मेरे को, मतलब हाँ अब याद हो गया बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की उस पर, 2-3 दिन लगातार लगाए थे, लाइक पहले मैंने नोट्स पढ़ा, फिर मैंने PYQs देखा, फिर मैंने नोट्स पढ़ा, फिर मैंने PYQs देखा, ऐसे ऐसे करके आई कंपाइल्ड ऑल द थिंग लाइक अ स्टोरी, यू कैन सी
इतना छोटा 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 एकदम, मैंने पिछले भी एक वीडियो में दिखाया था पूरा, मतलब जो जो भी पीवाई थी उससे रिलेटेड और जैसे भी था सब एकदम छोटा छोटा करके लिख लिया, सो दैट मैं ऐसे जैसे अभी लेट के रिवाइज करी मैं ऐसे सुबह उठ के रिवाइज कर लूँ, सोते जाते वक्त कर लूँ या फिर एग्जाम सेंटर जाते वक्त कर लूँ, तो इसलिए बनाया है। एंड यू कैन सी माई डार्क सर्कल्स। अरे एक्चुअली ना जब अभी भी ये जो बुखार चल रहा था ना इसके चक्कर में ना मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, बट ओके नाउ इज द टाइम फॉर द अपडेटेड लाइक पीटी, अपडेटेड पीटी मैं कर रही हूँ वो करूँगी, उसके बाद फिर एक टेस्ट दूंगी, सिमुलेटर ही है फोरम का, वो टेस्ट दूंगी और एक सी सेट का भी टेस्ट दूंगी, तो लेट्स सी देखते कितना रिकॉर्ड करती हूँ। ओके बस इतना ही, और कुछ खाने का भी मन कर रहा है, मतलब ऐसे बिस्किट खा लिया है पेट भर गया है, बट ऐसे भूख भूख टाइप का, लेकिन अब मैं अभी खाना नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर बाद, इन द सेंस कि शाम के 6-7 बजे बनाऊंगी, सो दैट टाइम अभी क्या हो रहा है ओके कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे देखने के लिए। चलो ठीक है चलती हूँ, करते हैं। अच्छा हाँ मैं बीमार हुई, मेरी मम्मी ने फोन करके मुझको बोला कि तुम ऐसे थोड़ी थोड़ी पतली पतली सी हो गई हो, ऐसा हुआ है क्या? लाइक ये जब मैं चैनल बनाई थी आई यूज टू बी लाइक सो स्किनी, बट नाउ आई एम गुड, लाइक मैंने थोड़ा सा वेट गेन, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वेट गेन किया, इवन मेरे आस पास वाले लोग भी बताते हैं मुझको कि पहले से बहुत मैंने वेट गेन किया है, तो तुम लोग बताना कि मैं दुबली हुई हो क्या। अरे आई नो मैं बकवास बात कर रही हूँ, बिकॉज यू नो लॉजिकल बात करने से ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, मजा नहीं आती है, और तुम में से कई लोग कहते हो ब्लॉग बोरिंग हो जा रहा है, ब्लॉग बोरिंग हो जा रहा है, यार मैं फन नहीं करती ना, मतलब इन द सेंस कि फन अब मैं कैसे क्रिएट करूँ, लाइक मुझको पढ़ना है, टेस्ट देना है, वही रिकॉर्ड करना है, वही डालना है, तो मैं कैसे इसको फन करूँ, आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना बड़ा होगा। ओके बाय, तुम कहीं मत जाओ, तुम पूरा वीडियो देखो। ओके आज के वीडियो में बस इतना ही था, आई होप कि आप याद रखोगे मैंने शुरू में जो जो भी कहा है, और अपना ध्यान रखोगे, बिकॉज यू आर प्रेशियस।
तुम्हारा जीवन सबसे अनमोल है, तुम सबसे अनमोल हो, है ना। तो अपने आप को संभाल के रखना है, अपना ध्यान रखना है, बाकी हम सब कर लेंगे। वी विल मेक इट। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, सो दैट वी कैन डू बेटर फॉर द सोसाइटी, बेटर फॉर आवर सेल्फ, बेटर फॉर आवर फैमिली। इफ विल बी ओके, विल डू इट टुगेदर। ओके चलो ठीक है, अभी बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छे से रहना। हम मिलेंगे फिर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।